वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है और आज का जो व्लॉग है वो रास्ते से स्टार्ट हो रहा है और एक्चुअली अभी सावन चल रहा है, सो मैंने डिसाइड किया है कि हम वाराणसी जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ के। सो फिलहाल मैं रीवा से निकल चुका हूँ, दैट इज़ माई होम टाउन, और ऑलरेडी 45 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया। जस्ट अभी पेट्रोल पम्प में फ्यूल अप कराया और वी आर ऑल गुड टू गो। डिस्टेंस यहाँ से अभी फिलहाल यार अभी है 177 किलोमीटर्स एंड अप्रॉक्स 3 घंटे लगने वाले हमें पहुँचने में। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं, मतलब शाम के 4:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। लेट्स गो। अभी हम लोग जैसा अभी एक ढाबे में रुके हैं, ऑलमोस्ट हम बॉर्डर हनुमना पे पहुंच गए हैं, एमपी का बॉर्डर बेसिकली। सबसे पहले एक ढाबा पड़ा है यहाँ पे, अभी हम कुछ खाएंगे बिकॉज हम कुछ खा के निकले। और यार आप शॉर्ट्स तो देख ही चुके होंगे, ये हेलमेट का माउंट जो मैंने बनाया है मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए। इस पर वैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला था बिकॉज काफ़ी लोग आई थिंक नहीं जानते हैं कि आप मोबाइल से भी मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। सो वीडियो तो आप देख लिए होगा, काफ़ी मेरे को सही समझ में आ रहा है, आप बताना कैसा लगे। एंड चलते हैं अभी, फिर हम कुछ खाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं आज जो ट्रैवल कर रहे हैं बाइक से, FZ 150 cc है यामाहा की, काफ़ी कंफर्टेबल है। टॉप स्पीड मतलब ठीक ठाक 110-115 तक जाती है, उतना खैर हमें भगाना नहीं है। अभी खाना चुका, सबसे सिंपल सा ऑर्डर किया हुआ है रोटी और दाल। ढाबे में खाने के लिए जब आप कहीं पहली बार खा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है रोटी दाल अचार प्याज और बटर डालो, घी डालो, जो अवेलेबल हो वो डालो। खाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जी तो अभी हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया था हाईवे किनारे और बनारस जो है अभी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर बचा हुआ। यूपी में एंटर होते ही एक सबसे बेस्ट चीज़ वो है कुल्हड़ वाली चाय। चलते हैं अब, एक डेढ़ घंटे और बचा हुआ बनारस। सोचा सुबह जल्दी आए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आ चुके हैं भोले बाबा की नगरी काशी में। कर कर के सुबह दोपहर से बाल की धजिया हो चुकी है और अंदर आते ही बनारस के ट्रैफिक ने जान ले दी है हमारी। जितना टाइम मुझे 50 किलोमीटर हाईवे में कवर करने में लगा उतना 12 किलोमीटर के डिस्टेंस मेरे को सिटी के अंदर कवर करने में लग गया।
हाँ, यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है। सो देख सकते हैं ये साफ सफाई चल रही है। पर मैं कहना ये चाह रहा था कि जिसको भी गंगा आरती देखनी है, पूरी तैयारी हो रखी है पीछे, आ जाओ दिखा दूंगा। सुकून होने आए थे, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि सारा सुकून गायब हो गया। तो अभी पीछे घाट का रिसेप्शन है, जितने भी घाट हैं यहाँ पे, और हमने चाय अभी पी ली है। फिलहाल सोच रहे हैं मोबाइल की जो बैटरी परसेंटेज है वो 24% है, और यहाँ की आरती कवर करनी है। सो हम जा रहे हैं किसी कैफे में, कुछ खाएंगे और वहाँ पे अपना फ़ोन भी चार्ज करेंगे। कुछ नहीं, बस सुकून। यहाँ से कुछ देर में हम निकलेंगे, उसके बाद कहाँ पर रुकेंगे हमें वो देखेंगे। और आई होप आपने आज के लिए देखी होगी वीडियो डाली है इसके पहले, और फिलहाल अभी बज रहे रात के 11, और आरती के बाद हमने डिनर किया, उसके बाद हॉस्टल ढूंढा, वहाँ पे रेस्ट किया 1 घंटे, और फिर अभी हम निकले बनारस के इन घाटों को घूमने, देखने, एक्सपीरियंस करने यहाँ की वाइब। फिलहाल हमारे पीछे जहाँ पे आप चिताएं जलती देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली वो था मणिकर्णिका घाट, पीछे गंगा नदी। अब ये पार्ट मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा, कोई से देखना चाहेगा या नहीं देखना चाहेगा, ऐसा कुछ पार्ट में देखने लायक तो नहीं है। पर काशी की ये घाट है जहाँ इतनी रात को भी हलचल रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। फिलहाल टहलते टहलते हम आ चुके हैं चौकी घाट, एक बार में पूरे घाट कवर करने लायक। देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, लेट्स सी अगर हम पहुँच पाते। आगे रास्ता होता है जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, एक पूरा बना है, बड़ा सा एंट्रेंस गेट बना है घाट से, वहाँ तक हम जा पाते हैं, रास्ता होता है कि नहीं, लेट्स सी। देखते हैं मानसरोवर घाट कुछ ऐसा दिखता है, शिमेश्वर घाट, और एक ये मंदिर भी है यहाँ पर। रात को कुछ ऐसा सीन है यार, देखने में तो काफी शांति। पूरी तरीके से शांति हो चुकी है, दिन में इतनी भीड़ भाड़ सब कुछ बना रहता है, और बस फिलहाल जिसके लिए मैं उठ के बनारस चलाता हूँ अचानक से, उसे शांति से घाटों को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। Thank you.